हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? एंड आज मैं बात कर रही हूँ हेयर कलरिंग की, जो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है यूट्यूब पे, यूट्यूबर्स के बीच में, जिसको लेके बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। एंड यहाँ मैं बात कर रही हूँ दो फेमस यूट्यूबर्स की, जिनका नाम मैं नहीं लूँगी, आप सब जानते हैं उन्हें। एंड मैं भी उनकी बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ, हमेशा उनकी वीडियोज़ देखती हूँ, कॉमेंट करती हूँ, आपको मेरे कॉमेंट्स हमेशा मिलेंगे उन दोनों की वीडियोज़ पर। बट एक छोटी सी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, एंड दो तीन दिनों से बहुत सारी लड़ाइयाँ एंड वीडियोज़ स्क्रीनशॉट्स हो रहे हैं यूट्यूब पे। तो मैं बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम लोग आप लोगों के डाई हार्ड फॉलोअर हैं, हम लोग आपको रोज़ देखते हैं एंड बहुत इंस्पायर होते हैं आपसे, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करिए। कभी आप दोनों दोस्त थे एक दूसरे के, तो प्लीज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड ये सब चीज़ें नहीं शेयर करिए। इसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं, दूसरे लोग आपकी वीडियोज़ पे कमेंट करके गंदगी फैला रहे हैं, एक दूसरे की फैमिलीज़ को गलत बोल रहे हैं एंड किस हद तक गलत बोल रहे हैं ये आप देख सकते हैं। तो आप लोगों की वजह से आपकी फैमिलीज़ को ये सब सुनना पड़ रहा है। तो मैं बस यही बोलना चाह रही थी कि क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं। एंड जरा सी चीज़ के लिए, अगर आप बड़े यूट्यूबर हो एंड आप ये बोल रहे हो कि सामने वाले के व्यूज़ बढ़ रहे हैं, मेरे से पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो ये भी गलत है। आखिर वो आपकी फ्रेंड है, तो आपको ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। किसी ने आपका नाम यूज़ कर लिया, उन्होंने अगर आपकी बेबी के लिए वीडियो बना ली, तो वो आपकी अच्छी फ्रेंड थी एक टाइम पे एंड अच्छी फ्रेंड है भी, तो इस चीज़ को आप व्यूज़ से तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते ना कि व्यूज़ पाने के लिए उन्होंने मेरे बेबी का नाम लिया। एंड सेम वे सामने वाले के लिए भी है कि आप प्लीज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड स्क्रीनशॉट शेयर करके बहुत मेसी आप बना रहे हो सारी चीज़ों को। ये चीज़ें ऐसे सॉल्व हो सकती हैं, एक दूसरे से क्या जेलस करना। एंड व्यूज़ के लिए सब कुछ व्यूज़ नहीं होते हैं, कुछ फ्रेंडशिप भी होती है, कुछ लॉयल्टी भी होती है एक दूसरे के लिए। और व्यूज़ के चक्कर में आप लोगों ने अपने रिलेशन ख़राब कर लिए हैं एंड बहुत हद तक ख़राब कर लिए हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। एंड हम लोगों ने तो अभी अभी स्टार्ट किया है, इवन हमारे नाम भी लोग यूज़ करते हैं, बट हम कभी जाके उनको स्ट्राइक नहीं देते या कभी जाके बोलते नहीं हैं कि भाई हमारा नाम नहीं यूज़ करो, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हर इंसान अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ता है। अगर आप सामने वाले की वीडियो में कुछ सुनने लायक होगा तभी व्यूज़ को सुनेंगे, वरना वो भी कुछ गलत बोल के निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी के नाम से किसी का चैनल चलने वाला है। अगर हाँ व्यूअर्स को लगा कि वो कुछ जेन्युइन बोल रहे हैं, तो हो सकता है उनको कुछ फ़ायदा हो, बट सबकी अपनी 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 मेहनत है। तो बस यही मुझे बोलना था। एंड मैं दो तीन दिनों से देख रही हूँ ये सारी वीडियोस, लग रहा है कि कब ख़त्म हो जाए ये सब, क्योंकि अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है आप लोगों का दूसरों पे, अगर आप इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हो एंड फिर ये सब कर रहे हो। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जल्दी से सॉर्ट आउट कर लीजिए एंड फिर से हैप्पी हो जाइए। ये सारी चीज़ें प्लीज़ मत करिए, क्योंकि आप एक समय पे अच्छे दोस्त थे, इसको मेंटेन करिए एंड एक यूट्यूब पे एक डिग्निटी मेंटेन करिए। ये सारी चीज़ें करके ना बहुत देख रहे हो आप कितनी नेगेटिविटी फैल रही है। चलिए, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू बोथ।